हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे। चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे कि मेटल्स दूसरे सॉल्ट के सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल दो, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ वन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, मतलब किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। देखो इसमें होगा क्या कि एक मेटल लिया मैंने, दैट इज मेटल ए, ठीक है। और बेटा हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ऑफ मेटल बी, ठीक है। तो हम जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ये होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा, मतलब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, उसके साथ अब मेटल ए आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, ऑफ मेटल ए प्लस साथ में क्या बनेगा इसके, मेटल बी उसमें से अलग हट जाएगा, मेटल बी अलग निकल गया। इज इट क्लियर? तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। सर हमारे समझ में नहीं आया। देखो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक मेटल लिया दैट इज जिंक, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Zn। सिंबल क्या होता है एलिमेंट का, जिंक का, Zn, ठीक है। जिंक मेटल लेता हूं, ठीक है, जिंक मेटल क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल भी। तो मैं किसी और मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूं, दैट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है बेटा। ये क्या है, लिक्विड होगा, क्लियर, कॉपर सल्फेट है ये, इसका क्या नाम है, कॉपर सल्फेट, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या होता क्या है, देखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, बनेगा क्या, यहां से कॉपर जिंक आएगा और कॉपर चला जाएगा, ठीक है, जिंक आएगा और कॉपर चला जाएगा, बस इतना चेंज होगा। मतलब अब क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा प्लस, ZnSO4 कैसा होगा, लिक्विड बनेगा, और जो कॉपर होगा इसमें से अलग हट जाएगा, इसमें से अलग हट जाएगा। सर हम कैसे, इसका नाम क्या हो गया, आप जिंक सल्फेट। सर हम कैसे समझेंगे फिजिकली, मतलब ये तो आपने बोर्ड वाली रिएक्शन करा दी, अब हकीकत में क्या हो रहा होगा। देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, मैंने एक बीकर में ले लिया वो, ठीक है, कांच के, कांच का बर्तन, मतलब एक बीकर में ले लिया, उसके ऊपर से मैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डालता हूं, ऊपर से डाला, उसको स्टर करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा अगर नई रिएक्शन हो रही है तो थोड़ा सा नीचे से वार्म कर दूंगा, हीट कर दूंगा थोड़ा सा स्लाइटली, तो रिएक्शन स्टार्ट होगी बेटा, रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब होगा क्या, धीमे धीमे वो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ब्लू कलर से अब कलरलेस होने लगेगा, अपना कलर चेंज करने लगेगा, ब्लू कलर से वो सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, कलरलेस होने लगेगा। अब इसका मतलब कुछ तो हुआ, उसके अंदर जिंक को डालने से कुछ तो हुआ, तो जब उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई कि क्या बना, ब्लू कलर धीमे धीमे जाता रहा और कलरलेस हो गया, तो फिर पता चला कि ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि वो कलरलेस हो गया। तो देखा गया कि जो जिंक मेटल हमने ऊपर से डाला था वो तो उसके सल्फेट, मतलब जो SO4 के आयंस थे उसके साथ कंपाउंड, उसके साथ मिलके कंपाउंड बना लिया और वहां से कॉपर, कॉपर निकल गया, तो जो कलरलेस अब सॉल्यूशन उसके कॉपर निकल गया, मतलब अब वो वहां प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया, तो पता चला कि वो कलरलेस सॉल्यूशन जो बना है वो किसी और का नहीं है, वो जिंक सल्फेट का।
ठीक है। तो ये बेटा कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मेटल आता है और दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड में से, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से, और खुद घुस जाता है। डिस्प्लेस मतलब उसको हटाया और उसकी जगह खुद बैठ गया, तो क्या हुआ, एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज जिंक सल्फेट। इज इट क्लियर? क्या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। बताऊं क्यों, बताता हूं अब क्यों। कि मान लो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, अब मैं बोलता हूं कि कॉपर मेटल उसमें प्रेजेंट है ना, बीकर के अंदर अभी भी कॉपर तो है, लेकिन इसके इसके साथ कंपाउंड नहीं बना रखा है उसने, अलग हो गया है, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये रिएक्शन वापस चली जाए ऐसे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चली जाए, दैट इज कॉपर सल्फेट, कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ले और वापस से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना दे और ZN बना दे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं होता है यहां पे। अब सुनो क्यों नहीं होता है, वाय, ये क्वेश्चन उठता है वाय। एकदम सब चीजें लिंक है, उसका सिंपल सा रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो ZN मेटल है, जो जिंक मेटल है, वो कॉपर के कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है रिएक्शन करने के लिए आतुर रहता है, एकदम बस तैयार बैठा है, और ऐसे समझ लो कि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है कौन, जिंक कॉपर से, तो ज्यादा ताकतवर है, तो उसी के कंपाउंड में से उसको निकाल दिया और खुद उसके घर में आके बैठ गया, ठीक है। अब मैं रहूंगा तेरे घर में से तेरे को निकाल देता हूं, ठीक है। लेकिन कॉपर उतना ताकतवर नहीं है कि जिंक को निकाल सके, कॉपर उतना ताकतवर नहीं है कि जिंक को निकाल सके। तो ये जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और जिंक का बनना, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहां आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, ठीक है। व्हाई, बिकॉज ZN इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सर अब हम ऐसा क्या करें कि हमें ये पता चले कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके लिए एक चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे पहले लिख लो क्या होती है, इट इज ए सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच metals are arranged in decreasing order of reactivity, ठीक है। ये एक ऐसी सीरीज है बेटा जिसमें ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपको याद होनी चाहिए, याद रखना। देखो ये कैसे बनती है, क्यों वही रिएक्टिव है, इन सब चीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 11th का, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, ऐसे होने के पीछे केवल एक रीजन नहीं है कि मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, नंबर ऑफ वहां पे रीजंस होंगे, नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, इसीलिए 10th में ये सीरीज आपको याद करनी होती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, जिससे आप उसे आराम से याद कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या है वो सीरीज, लिखो सबसे पहले बेटा के Na, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम ZnFe।
मेटल्स के नाम लिखो, पोटेशियम, ठीक है बेटा, सोडियम, ये सिंबल्स थे जो मैंने पहले लिखे, और आपको सिंबल से याद होनी चाहिए, ये तो आप रटते रह जाओगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, सीयू दैट इज लेड, कॉपर, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर। इसके बाद HgAgAu, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिक्रीजेस। लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस। ये आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, इस तरीके से डिक्रीज होगा। अब ये शॉर्टकट आपको कैसे याद रहेगा, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, आधों का शॉर्टकट बता रहा हूं, आधे आपको ऐसे ही रेंडमली याद रखने हैं, और उसके लिए भी मैं आपको एक अप्रोच बता दूंगा कैसे याद रखने हैं। देखो शॉर्टकट लिख लो साइड में, लिखो यहां पे करीना ने ने कार, हिंदी में लिख रहा हूं ठीक है, क्योंकि हिंदी का डायलॉग है, करीना ने कार मांगी अल्टो, जैन फरारी, पर हमें क्यों ठीक है। अब ये तो मैं ऐसे ही याद रखने हैं, एच जी ए जी ए यू ठीक है, डायलॉग बन नहीं रहा है कुछ भी, सोचा काफी लेकिन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, याद रहेंगे तो महंगे मेटल है, मरकरी सिल्वर गोल्ड ठीक है। अब देखो करीना मतलब पोटेशियम, ने मतलब एन ए, कार मतलब सी ए, मांगी मतलब एम जी, अल्टो मतलब ए एल, जैन मतलब जेड एन, फरारी मतलब एफ ई दैट इज आयरन, पर मतलब पी बी, हमें मतलब हाइड्रोजन, क्यों मतलब सी यू ठीक है, पर हमें क्यों, और फिर ये कैसे याद रखोगे आप, एच जी ए जी ए यू ठीक है। इसमें भी बना लो, पर हमें क्यों, पर हमें क्यों होगा आगे और, क्योंकि जगह यहां डायलॉग बनाओ, हमें क्या, अब बन रहा है डायलॉग, करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, पर हमें क्या होगा आगे और, है ना, होगा आगे और ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, पर हमें क्या होगा आगे और, इज इट क्लियर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये काम कैसे करती है, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक बार कैसे इसका यूज है। मान लो मेरे पास
बेटा मेरे पास यहां पे रिएक्शन लिखी है, मैंने लिया है Mg की रिएक्शन हो रही है कैल्शियम क्लोराइड से। पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन है ठीक है, नेम दी या आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड व्हाट विल हैपन, तो आपको ये कंप्लीट करनी है रिएक्शन, पहली ये रही, सेकंड है सी ए रिएक्शन विद MgCl2, थर्ड लिखो एफ ई रिएक्शन विद PbSO4, फोर्थ लिखो Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करा रहे हैं हम मैग्नीशियम से, ठीक है। बताओ प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, सबसे पहले Mg की रिएक्शन CaCl2 से, दो मिनट में कहीं MgCl2 और Ca मत बना देना, पहले आपको चेक करना है कि कौन ऊपर है, याद रखो ऊपर वाला नीचे वाले को अलग कर सकता है कंपाउंड में से, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है क्योंकि नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम है। तो बताओ मैग्नीशियम और कैल्शियम में कौन नीचे आता है, जी मैग्नीशियम नीचे आता है, कैल्शियम ऊपर है, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। जरा यहां देखो कैल्शियम और MgCl2 की रिएक्शन है, कैल्शियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, हाँ यहां पे कंपाउंड बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम इसमें से सॉलिड अलग हट जाएगा, क्लियर। जरा Fe और PbSO4 का केस देखो, Fe ऊपर है, PbSO4 मतलब PbSO4 का Pb नीचे है, तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो यहां पे FeSO4 प्लस Pb अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे आओ जरा एल्यूमिनियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल में से कौन ऊपर नीचे है चेक करो, मैग्नीशियम ऊपर है एल्यूमिनियम नीचे है, मतलब आराम से रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा MgSO4 बन जाएगा, क्लियर, और एल्यूमिनियम बनेगा। इसको बैलेंस करो, ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस करो, यहां पे Mg एक है, Mg एक है, SO4 तीन है, SO4 कितने बेटा तीन है, यहां से ये मैं हटा रहा हूं, SO4 कितने हैं तीन है, यहां पे एक है, तीन SO4 करने के लिए मैं यहां थ्री लगाऊंगा, तो थ्री Mg करना पड़ेगा, और एल्यूमिनियम कितने हैं दो है, तो यहां टू Al लगा दो, ये बैलेंस्ड हो गई, ये बैलेंस्ड है, थ्री Mg SO4 बना, ये थ्री लगा रखा है मैंने आगे, क्लियर, थ्री है, थोड़ा सा एरो छोटा कर देते हैं, ये बन गया, क्लियर। ये मैग्नीशियम सल्फेट है एल्यूमिनियम, समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं, रिएक्शन नहीं होगी तो साफ लिख देना है नो रिएक्शन, किसके बेस पे, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्लियर बेटा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, क्लियर, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वाले टॉपिक्स बोर्ड ने इस साल रिमूव कर दिए, क्लियर, तो कल मतलब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।